यह दृश्य देख लीजिए, कितना अद्भुत दिव्य एवं अलौकिक श्री राम लला का मंदिर का प्रांगण रात्रि के समय में आपको दृष्टिगत हो पा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं बाहर लेजर शो इत्यादि वाले सारे दर्शनार्थी रामलला के मंदिर के प्रांगण में आकर नहीं आए हैं, वो रामलला का सभी लोग दर्शन पूजन इत्यादि कर रहे हैं। ये मंदिर का सिंह द्वार है और हम सिंह द्वार से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने वाले हैं। और भाई कमेंट में सभी लोग लिख दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। हाथी और सिंह और भगवान गरुड़ देव की प्रतिमा रात में जगमगाती, वो स्टेज है जिसपे कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है भाषण दिए थे। मैं रामलला के आरती को भी किस प्रकार से आरती हो रहा है वो आरती भी आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। अद्भुत दृश्य है भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्रांगण का। जय श्री राम। मैं हूँ आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और आज हम मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण के अंदर। और आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कि रात्रि के समय में भव्य दिव्य एवं अलौकिक श्री राम जन्मभूमि का दृश्य किस प्रकार से है। अद्भुत है, मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो उठेगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। और यह भव्य मंदिर के प्रांगण में मैं आपको लेके चल रहा हूं और दिखाने वाला हूं किस प्रकार से भगवान श्री राम लला का मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में रामलला श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हो चुके हैं और ले चल के आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराने वाले हैं भगवान श्री राम लला का। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और दिखाते हैं मंदिर का अद्भुत एवं दिव्य दृश्य। तो यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे ये दृश्य है भगवान श्री राम लला के मंदिर के प्रांगण का जो अपने आप में बहुत ही दिव्य है। और मैं अंदर की तरफ भी लेके चल रहा हूँ आप सभी को और दिखाऊंगा किस प्रकार से रात्रि के समय में भगवान श्री राम लला का दिव्य मंदिर का प्रांगण आप सभी को दृष्टिगत हो पाएगा। ऐसे में मंदिर के शिखर को देख लीजिए किस प्रकार से बहुत दिव्य तरीके से सजाया गया है। तमाम चीजें जो है इधर आप सभी को लिखे हुए दृष्टिगत हो पाएंगे। और ये वही जगह था जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। बहुत दिव्य है रामलला का मंदिर। अब मैं आप सभी को लेके चलता हूँ मंदिर के प्रांगण में और दिखाता हूँ किस प्रकार से रामलला के मंदिर के अंदर का दृश्य है रात्रि के समय। दिन के समय तो आपको मैंने दिखाया ही था, रात्रि के समय किस प्रकार से दृश्य है वो देखेंगे आप। और ऐसे में शिखर को देख लीजिए, बहुत दिव्य शिखर आप सभी को दृष्टिगत हो पाएगा। और रामलला का दिव्य मंदिर का प्रांगण अद्भुत है, दिव्य है और हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और मैं अब लेके चल रहा हूँ आगे की तरफ और दिखाऊंगा किस प्रकार से रामलला का मंदिर बनकर तैयार है और ऐसे में रामलला किस प्रकार से गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। रात्रि के समय में आप देख पा रहे होंगे श्री राम जन्मभूमि का दृश्य। ऐसे में सभी लोग जय श्री राम के जयकारे के साथ रामलला के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे रामलला के मंदिर का प्रांगण का और कहते हैं ना राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और ऐसे में श्री राम जन्मभूमि का दृश्य बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है। और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और पहुँच चुके हैं रामलला के मंदिर के प्रांगण में। जय जय श्री राम। और ये बाहरी परकोटा है जो आप देख पा रहे हैं, अद्भुत है दृश्य यहाँ का। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर के पहले लेजर शो जो है वो चालू किया गया था रात्रि के समय में। अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे गज यानी हाथी और सिंह और भगवान गरुड़ देव की प्रतिमा रात में जगमगाता हुआ चमचमाता हुआ आप सभी को दृष्टिगत हो पाएगा। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहीं पर स्टेज बना हुआ था। और इस तरफ हनुमान जी महाराज, सिंह और हाथी का दृश्य मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही आप सभी देख पाएंगे। और मैं बता दूं ये वो स्टेज है जिसपे कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है भाषण दिए थे। और यह दृश्य बहुत ही अद्भुत है। और ये मंदिर का सिंह द्वार है जो अपने आप में बहुत ही दिव्य है। और रात्रि में मान के चलिए इसका दृश्य देखने के बाद मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो उठता है। और हम सिंह द्वार से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने वाले हैं। और भाई कमेंट में सभी लोग लिख दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम।
और यहाँ पर देख लीजिए मंदिर का यह दृश्य। और रात दिन में तो आपने देखा ही था कि मंदिर का दृश्य किस प्रकार से था, और यह रात्रि का व्यू है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मैं दिन में आप सभी को रामलला के मंदिर के प्रांगण का पूरा व्यू दिखाया था, ऐसे में देख सकते हैं बाहर लेजर शो इत्यादि, और सारे दर्शनार्थी रामलला के मंदिर के प्रांगण में आकर नहीं आए हैं वो रामलला का सभी लोग दर्शन पूजन इत्यादि कर रहे हैं। ऐसे में सारे के सारे लोग रामलला का दर्शन व पूजन वंदन करेंगे श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। और इस प्रकार से रात्रि का समय है और लाइटिंग किस प्रकार से की गई है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और रात्रि में राम मंदिर का दृश्य बेहद खूबसूरत है, सभी लोग एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और सुरक्षा की व्यवस्था से मंदिर पूरी तरीके से तैयार है, और ऐसे में यहाँ पर पूरा दृश्य देख पा रहे होंगे, रात में एक अद्भुत दृश्य श्री रामलला के मंदिर के प्रांगण में नजर आ रहा होगा। और ऐसे में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रामलला के मंदिर के प्रांगण में, और ये जो देख पा रहे हैं ये एंट्रेंस द्वार है। मैं रामलला के आरती कुमे किस प्रकार से आरती हो रहा है वो आरती भी आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। अद्भुत दृश्य है भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्रांगण का। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी लोग रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ निकले, और रात्रि में व्यू आप देख रहे हैं श्री राम जन्मभूमि का, बहुत ही दिव्य है, अद्भुत है। और सारे लोग लीजिए रामलला के मंदिर के प्रांगण का अद्भुत दृश्य है, और मैं आप सभी को जो दृश्य दिखा रहा हूँ ये रात्रि के समय का दृश्य है। ऐसे में सभी लोग रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं, और यह दृश्य देख लीजिए कितना अद्भुत दिव्य एवं अलौकिक श्री रामलला का मंदिर का प्रांगण रात्रि के समय में आपको दृष्टिगत हो पा रहा है। ऐसे में ये जो इस द्वार को देख रहे हैं, सिंह द्वार से प्रवेश होने के बाद इस द्वार से जो है निकासी की व्यवस्था की गई है, और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे अभी गुंबज का निर्माण का कार्य नहीं किया गया है। ऐसे क्रम में रामलला का मंदिर का प्रांगण दिव्य है, अद्भुत है, और इस प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में की गई। और जैसा कि दिन में मैंने आप सभी को दिखाया था यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है आखिरकार वही तो विजय होती है, और आखिरकार भगवान श्री राम लला श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हो चुके हैं, और इसका दृश्य जो है अपने आप में बहुत ही दिव्य है। और रात्रि के समय में लेजर शो इत्यादि जो है वो बहुत दिव्य तरीके से यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है, और जय श्री राम लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ। ओम तो कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ ओम दृष्टिगत नहीं हो पाए, क्योंकि बिना ओम के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ओम में भगवान शिव भी समाहित हैं, भगवान राम भी समाहित हैं। तो ऐसे में ये दृश्य तो देख पा रहे हैं आप, ये वो दृश्य है जब बहुत अद्भुत दृश्य है। और स्वास्तिक इधर देख लीजिए, आप सभी को यहाँ पर स्वास्तिक का दृश्य भी नजर आएगा भगवान श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। और यह रात्रि का दृश्य है, बहुत अद्भुत है, दिव्य लग रहा है श्री राम जन्मभूमि का प्रांगण। और इस प्रांगण में ये कॉरिडोर के अंदर जितने लोग हैं सभी लोग इस पल को अपने कैमरे में भी कैद कर लेना चाह रहे हैं। ऐसे में बहुत दिव्य दृश्य है भगवान श्री रामलला के मंदिर के प्रांगण का। और मैं बता दूं इधर ये वो दृश्य देख रहे हैं, काफी फोटो को आपने देखा होगा जो वायरल हुआ था। ऐसे में जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ प्रातः काल निकलते हैं तो ये अद्भुत दृश्य यहाँ पर नजर आएगा जब इसके सामने से फोटो खींचा जाता है। और दूर से मंदिर का दृश्य देख लीजिए कितना भव्य और दिव्य लग रहा है, रात्रि का समय है, ऐसे में रामलला का जो मंदिर का प्रांगण है बहुत ही दिव्य है, और जय श्री राम और फूलों से रामलला का मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है। अद्भुत दृश्य है श्री राम जन्मभूमि प्रांगण का, बहुत अद्भुत है। और ऐसे में अगर यह सब वीडियो आप देख पा रहे हो कहां से देख रहे हो कमेंट जरूर करके बताना। और ऐसे में रामलला के मंदिर का कार्य किस प्रकार से चल रहा है वो तो मैंने बता ही दिया, ये अद्भुत दृश्य जो देख रहे हैं अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। ऐसे में सभी लोग आजकल आ रहे हैं और रामलला के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे हैं, जय जय श्री राम के साथ। तो श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के प्रांगण का रात्रि में यह व्यू कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी से मिलते हैं अयोध्या धाम के पुनः नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेटे के बाय, जय जय श्री राम।